पिछले दिनों से सियासी घटनाक्रम से राजस्थान की राजनीति और यहां की जनता काफी प्रभावित हुई थी। इस तरह के हालात गुर्जर समाज की वजह से फिर से ना उपजे, इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले ही काम करना शुरू कर दिया है। हाल ही में कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया था कि 17 अक्टूबर को मालारना डूंगर में गुर्जर समाज की महापंचायत होने वाली है, जिसमें आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। इससे माना जा रहा था कि आने वाले समय में गुर्जर अपनी मांगें मनवाने के लिए फिर आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी हो इसके पहले ही कैबिनेट सब कमेटी के सदस्य और गुर्जर नेता अशोक चांदना कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला से मुलाकात करने पहुँच गए, ताकि इस मुद्दे को समय रहते सुलझाया जा सके। जानकारी के मुताबिक मुलाकात में कर्नल बैसला ने अपने समाज की मांगे रखते हुए दो टुक कहा कि समाज के युवाओं को नियुक्ति पत्र चाहिए। हालांकि चांदना पहले ही कह चुके हैं कि इस मुद्दे पर सरकार का रुख बेहद ही सकारात्मक है और सरकार इसे सुलझाने का प्रयास कर रही है। अगर चांदना इस मसले को हल करवाने में सफल रहते हैं तो एक ओर तो कांग्रेस की पकड़ गुर्जर मतदाताओं के बीच और मजबूत हो जाएगी, दूसरी ओर सचिन पायलट के विकल्प के रूप में उन्हें एक और नेता मिल जाएगा जो गुर्जर समाज के नेताओं और युवा मतदाताओं को पार्टी के पक्ष में एकजुट रख सके।